हेलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन अभी आपने सीखा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि दो से ज़्यादा नंबर अगर हो, दो से ज़्यादा फ्रैक्शनल नंबर हो, तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी लास्ट वीडियो में आपने टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अब मोर देन टू नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर हमने लिया 3/2, दूसरा नंबर है हमारे पास 5/3, तीसरा नंबर है हमारे पास 1/6। थ्री नंबर्स का हमको मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट वही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे। जैसे ये मल्टीप्लाई एक साथ होना है और ये मल्टीप्लाई एक साथ होना है। तो देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करें 15, और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करें 15/2। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें 6, और 6 का मल्टीप्लाई फिर 6 में करें 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देख रहे हैं ये 36 आ रहा है नीचे और ऊपर आ रहा है 15। ये 15 3 से डिविजिबल है और ये 36 भी 3 से डिविजिबल है, तो हमको इसको डिवाइड करके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम रिड्यूस करते हैं इसको, इसको 3 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स, और इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं 12 टाइम्स। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आया 5/12। तो हम इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको और एक और तरीके से बता रहा हूं। आप इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड में से जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप इजीली कर पाए, आप कर सकते हैं। देखिए, यहां हमको ये रिड्यूस करना पड़ा लास्ट में जाके, हमने इसको लास्ट में रिड्यूस करा। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 1/6, यही नंबर है। तो हम नीचे के नंबर को ऊपर के नंबर से या ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो, मल्टीप्लाई करने से पहले भी। देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, इसको काट सकते हैं। अब ऊपर जो नंबर बचा 5/1 बचा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लें तो 5 आया, और नीचे जो नंबर बचा वो 2/6 बचा, तो 2/6 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो आंसर हमारे पास आया 5/12। तो आपने क्या देखा कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है, छोटा हो जाता है, शॉर्ट मेथड। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, मेथड दोनों ही ठीक है। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 12/15 मल्टीप्लाई 7/2, ये तीन फ्रैक्शनल नंबर हैं, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 12 और फिर 12 का मल्टीप्लाई
मतलब जो मल्टीप्लाई इनका करके आ रहा है उसमें 7 का मल्टीप्लाई। तो देखिए हम थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 12 3 36 इंटू 7। अगर क्वेश्चन लंबा हो जाए तो आप एक साथ ना करके इस तरह से भी कर सकते हैं, और 15 4 60 मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 60 और ये 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं 36 का 7 के साथ। तो आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 7 6 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21, 21 प्लस कैरी 4 तो आ गया 25, और नीचे 60 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 12 और ये 0। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 252/120। अब आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये दोनों नंबर 2 से रिड्यूस हो सकते हैं। तो करिएगा, इसको हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1 2 and 6 126, और नीचे रिड्यूस किया तो आया हमारे पास 16। अभी भी लास्ट में यहां 6 आ रहा है या 0 आ रहा है, एक बार फिर 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर आप इसको 2 से रिड्यूस करिएगा, 2 6 12 और 2 3 6, 63 आया और नीचे आया 30 63/30। अभी देखिए आप, ये नंबर ऊपर वाला 3 से रिड्यूस हो जाएगा और ये भी नीचे वाला 3 से रिड्यूस हो जाएगा, तो आप 3 से एक बार और रिड्यूस करिएगा, तो 3 से आप रिड्यूस करा 2 और ये 1 और ये आया हमारे पास 10। तो फाइनली हमारे पास आया 21/10। अब ये नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर एक साथ डिविजिबल नहीं है एक ही नंबर से, तो लास्ट में हमारे पास आंसर आया 21/10। तो आपने जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था उसको फॉलो किया और लास्ट में आंसर निकाला 21/10। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट मेथड से भी करके बताता हूं, देखिए ठीक है, 3/4 × 12/15 मल्टीप्लाई 7/2। अब आप देखिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नीचे और ऊपर के नंबर में, नीचे और ऊपर के नंबर में कौन से नंबर डिविजिबल है। जैसे कि ये 4 से 12 डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब ये नंबर हमारे पास क्या बचा, 3/1, 4 से डिवाइड हो गया तो 1 आया, मल्टीप्लाई ये 4 से 12 डिवाइड हुआ तो 3 आया, 3/15 इंटू 7/2। अभी देखिए और डिवाइड हो सकता है, कैसे, ये 3 से डिवाइड हो सकता है 15, कितने टाइम, 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अब ये 1 टाइम डिवाइड हो गया तो 1/1, 1/1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं 7/2। अब इस तरीके से हमने जब मेथड अप्लाई किया तो ये डिजिट्स हमारे छोटे हो गए, अब हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, अब ये नंबर एक दूसरे से अब डिविजिबल नहीं है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही मेथड, ऊपर का नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे का नंबर नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, नीचे 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, आंसर हमारे पास आ गया 21/10। तो इस तरीके से भी 21/10 आया, इस तरीके से भी 21/10 आया,
लेकिन इस तरीके से करने में कैलकुलेशन इजी हो गई। तो मेरा सजेशन ये है कि आप क्वेश्चंस को इस मेथड से करने का प्रयास करें। आप अपने सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से करने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि हायर क्लासेस में भी आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने देता हूं करने के लिए। 5/4 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 15/7। अब आप फर्स्ट मेथड से इसको करके दिखा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि ऊपर के नंबर्स का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे के नंबर्स का मल्टीप्लाई नीचे के नंबर के साथ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का जो आपको आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं किस तरीके से 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 40 आएगा, टेबल आपको आती है 14 मल्टीप्लाई 15 नीचे 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 मल्टीप्लाई 7। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 40 का मल्टीप्लाई 15 के साथ 600 आया और 12 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 54 आया। अब आप देख रहे हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है, रिड्यूस कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड होकर ये आएगा ऊपर 300 और 2 से यहां डिवाइड होकर 42। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 आ रहा है लास्ट में या 2 आ रहा है, एक बार फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आप फिर 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो गया आएगा आपका 150/21। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है, 15 आ रहा है, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं है, ये लास्ट में 0 आ रहा है। तो आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए पहले, 1+5+0, 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सारे नंबर्स का सम निकालते हैं, 1+5 6 6+0 6, तो ये 3 से डिविजिबल है और ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आप एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 5 15 और 0 50 आ गया, और ये 3 से डिवाइड कर दीजिए 21 को, ये 7 आ गया। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आया आपके पास 50/7। तो इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर आया 50/7। अब इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आप ये तो निकाल ही सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं। देखिए 5/4 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 15/7। क्या बताया था मैंने आपको कि आप देखिएगा कि ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो उनको करके छोटा कर दीजिए। तो देखिए 4 कर रहा है डिवाइड 8 को, तो इसको छोटा कर दीजिए, 4 ने 4 को डिवाइड किया 1 टाइम तो ये हो गया 5/1 मल्टीप्लाई, 4 ने 8 को डिवाइड किया 2 टाइम्स तो 2/3 इनटू 15/7। अभी देखिए और क्या डिवाइड हो सकता है, ये 3 डिवाइड कर रहा है इस 15 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं 5/1 मल्टीप्लाई 2/1, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई 3 से 15 5 टाइम डिवाइड हुआ 5/7। तो अब नंबर हमारे पास ये बचा 5/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 5/7। अब ऊपर का कोई नंबर नीचे के किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो अब हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है कि ये नंबर छोटे हो जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है।
तो वही हमने कर रहे हैं, हम इस सेकंड मेथड में वही करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएं। तो अब देखिए, अब ये ऊपर के नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर के साथ और नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई नीचे के नंबर के साथ, इस तरीके से करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आप इजी कैलकुलेशन को करिएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 और 10 का मल्टीप्लाई 5 में 50। क्लियर? ऊपर का मल्टीप्लाई करके आया तीनों नंबर्स का 50, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7, तो आंसर हमारे पास 50/7। यही आंसर यहाँ पर भी आ रहा था 50/7। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि आप इस तरीके से करेंगे तो देख रहे हैं आप लंबे लंबे डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 600 आ रहा है, यहाँ पर 84 आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो गई यहाँ पर। और जब आपने इसी क्वेश्चन को इस तरीके से किया तो देख रहे हैं आप छोटे छोटे नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर बड़े होते चले जाते हैं, यहाँ तक बड़े हुए, इसके बाद फिर हमने जब रिड्यूस किया तब रिड्यूस करके छोटे किए। तो पहले हमने क्या किया, इसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई करके नंबर को बड़ा कर लिया, फिर बड़े नंबर को रिड्यूस किया तो छोटा किया। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने छोटा किया और छोटा करने के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई किया। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका इजी वे है, ये जो आपका तरीका है ये इजी तरीका है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।